अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी परफेक्ट कर्व आप लोग किस तरह से तैयार कर सकते हो, जो बेसिक जो फॉर्म होती है वो किस तरह से आप लोग तैयार कर सकते हो। वेस्ट के लिए यहाँ पे मैंने लिया 34 इंच और जो चेस्ट है उसके मैंने दिया है 39, यानी कि 14 इंच भी आप लोग कह सकते हो 14। तो यहाँ पे ये जो बेल्ट है, बेल्ट यहाँ पे मैं लूँगी 20 इंच। आप लोग यहाँ पे कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो आप लोगों की मेजरमेंट से। और यहाँ पे ये जो साइड है ये मैंने दिया है 8 इंच, ये होगा मेरी जो जहाँ से जो कर्व लाइन है वहाँ, तो 8 इंच मैंने दिया है नेक के लिए। और यहाँ पे ये जो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से आप लोग कर्व जो है वो आप लोग इसे तैयार कर सकते हो। जो कप है वो जो फोम बाज़ार में मिलते हैं वो आप लोग कर सकते हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आप लोग ध्यान से देखो। 4 इंच मैंने आप लोगों को लेना हो, और निप्पल से नीचे तक 4 इंच, निप्पल के ऊपर मैंने लिया है 5 इंच। आप लोग लो जो आप लोगों का है, और सेंटर से आपको निप्पल के तक जो चौड़ाई है वो है यहाँ पे 5 इंच। तो ये जो पार्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों को अच्छी तरह से मेजरमेंट करके आप लोगों का मेजरमेंट लेना होगा। और ये जो साइज़ है एक्सेल साइज़ के लिए आप लोग ये यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैंने कागज़ लूँगी 18 इंच पे, सबसे पहले मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ नेक के लिए। उसके बाद यहाँ से 5 इंच का यहाँ पे मैं लूँगी 5 इंच, सॉरी यहाँ पे 1/2 इंच मैंने कम लिया है क्योंकि मेरा थोड़ा कम लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने 4.5 इंच लिया है, और यहाँ से मुझे लेना होगा 4 इंच। यहाँ पे और अब मैं क्या करूँगी, जो 5 इंच मैंने लिया है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर देती हूँ। यह मैं अपने लाइन जो है उसको, डॉट लाइन जो है उसको दाग देकर स्ट्रेट लाइन करके यहाँ पे मैं मार्क कर लेती हूँ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे ये जो मेजरमेंट है यानी कि ये है 1/2 इंच, तो यहाँ पे मैं लूँगी 3.5, यहाँ पे मैं लूँगी 4 इंच। बेसिकली यहाँ पे मैं लेती हूँ, यहाँ पे जो मैंने मेजरमेंट में दिखाया था वहाँ पे 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लेकर आप लोगों को बताया, तो यहाँ पे मैं 4 इंच पे मार्क करती हूँ, यहाँ पर भी 4 इंच पे। और यहाँ पे जो कागज़ जब कटिंग हो जाएगा उसके बाद 1/2 इंच करके चारों तरफ से आप लोगों को एक्स्ट्रा लेना होगा। तो यहाँ पर मैं 3 इंच पे एक मार्क कर देती हूँ। करने के बाद ये ऑप्शनल है क्योंकि मेरी जो ये जो कोर्सेट यहाँ पे हिंदी में इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, ये टॉप के जैसा होगा कोर्सेट, उसको मैं यहाँ पे एक वेस्ट तक मैं ले जाऊँगी। तो यहाँ पे इसलिए मैंने वेस्ट तक मैंने मेजरमेंट लिया है, और जो मैंने स्ट्रेट दाग दिया था वहाँ पे 2 इंच मानी यानी कि 1 इंच करके दोनों तरफ से एक स्ट्रेट लाइन कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा कम लिया है, अगर आप लोग शायद देख सकते हो यहाँ पे मैंने 4 इंच तकरीबन लिया था, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट पे होगा मेरी जो बॉटम्स है वो मैं फ्रंट पे दूंगी, इसलिए मैं थोड़ा कम ले रही, क्योंकि यहाँ पे मेरी ऑलरेडी टाइट हो जाएगा जब मैं यहाँ पे पिन लगाऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग शायद देख सकते हो तकरीबन 4 इंच मैंने लिया है फ्रंट के लिए। तो यहाँ पे 3.5 पे मैं एक मार्क करूँगी, जो यानी कि मेरी जो आप लोगों का जो चौड़ाई मैंने लिया था वो 4 इंच का मार्क करके एक सर्कल सा शेप दे देती हूँ यहाँ पे इस तरह से। देखकर एक राउंड सा शेप दे देती हूँ, ये होगा मेरी कर्व जो है, कर्व का शेप। यहाँ से 1 इंच और यहाँ से 1/2 इंच एक लाइन करके, ये जो एक्स्ट्रा है ये है मेरी स्टिच के लिए, यानी कि जो
हुक में लगाऊंगी उसके लिए। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन कर देती हूँ। उसके बाद ये जो डॉट्स हैं उसको मुझे मिलाना होगा एक कर्व लाइन देकर, यानी कि मैं यहाँ पे थोड़ा कलर डिफरेंट कलर का लेती हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा इस तरह से। और ये जो डॉट है इसको यहाँ पे मिलाऊंगी, यहाँ पर भी मैं कर्व लाइन दूंगी। इस वीडियो पे मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो कटिंग है वो मैं दिखाऊंगी। और यहाँ से आप लोगों को 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा और यहाँ से 1 इंच। ये आप लोगों को अगर एक्सेल के ज़्यादा लेते हो तो यहाँ पे हाफ इंच करके ज़्यादा आप लोग ले सकते हो। अब यहाँ पे ये लाइन में मिला लूँगी और यहाँ से यहाँ तक मैं मिला लूँगी। यहाँ पे भी एक कर्व सा लाइन देके मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ डॉट लाइंस के साथ। अब मैं क्या करूँगी, नॉर्मली जो मेरी चेस्ट मेजरमेंट है मैं 9 इंच लेती हूँ, तो यहाँ पे मुझे 9 इंच लेना होगा। यहाँ पे 9 इंच लेकर मैं मार्क करती हूँ और स्टिचिंग के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। और यहाँ पे मेरी जो वेस्ट है वेस्ट के लिए मैं 8 इंच लेती हूँ। बेसिकली 34 को मैं 4 से डिवाइड करने के बाद मेरी आती है तकरीबन 8 इंच। तो यहाँ पे मुझे 8 इंच पे मार्क करना होगा। करने के बाद ये जो 2 इंच मैंने कम लिया था ये 2 इंच मुझे यहाँ पे प्लस करना होगा। ठीक वैसा ही मुझे इस पार्ट पे भी करना होगा। आठ इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा। और वेस्ट जो है वो वैसा ही रहेगा, जो मेरी नॉर्मल जो मेजरमेंट है वही मैं लूंगी। जो चेस्ट का नीचे के हिस्से से मैं 9 इंच तक नीचे जाऊंगी वहाँ पे मेरी जो मेजरमेंट आती है तकरीबन यहाँ पे आती है 9 इंच, तो मैं वो 9 इंच लेती हूँ। यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर मैंने 9 इंच लिया है। तो अब मैं यहाँ पे डॉट लाइंस को जोड़ लेती हूँ इस तरह से। और जहाँ जहाँ पे मेरी रेड कलर का मार्क मैंने किया है वहाँ वहाँ पे मुझे कटिंग करना होगा। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई हो समझने में। मैं स्टेप बाय स्टेप ऑल डिटेल्स मैंने यहाँ पे बताया है और सेकेंड पार्ट पे मैं दिखाऊंगी किस तरह से आप लोगों को स्टिचिंग करना होगा। तो यहाँ पे ये कागज़ मैं काट रही हूँ। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, यहाँ पे 4 पार्ट हैं तो आप लोगों को 1, 2, 3, 4 लिख के इसको नंबर दो तो इससे होगा क्या, आप लोगों को बहुत ही आसानी से आप लोग इसे समझ सकोगे कौन सा पीस कहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये काट ले रही हूँ। तो ये जो कर्व का शेप है इस तरह से आप लोग कर्व का शेप आप लोग इसे बाज़ार में जो मिलते हैं उस वो अगर आप लोग नहीं किनना चाहते तो आप लोग घर पे भी इस तरह से फॉर्म से ये तैयार कर सकते हो। ये होगा मेरी 4 पीस, यानी कि टोटल जो है 2 पीस 2 पीस करके मुझे कटिंग करना होगा। यहाँ पे सब साइडों से मैंने हाफ इंच करके एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ पे मैं कट कर दूंगी इसको, जो पॉइंट है जॉइंट है उसको मार्क करने के लिए, यानी कि समझ में कोई मुझे प्रॉब्लम ना हो बाद में इसलिए। तो ये 2 लाइन एक साथ यहाँ पे होगा। तो ये है मेरी बैक पार्ट का, यानी कि चौड़ाई मैंने ले रही हूँ 12 इंच। यहाँ पे फोल्ड करके लिया है मैंने फैब्रिक को और पीसेस है मैंने लिया है 9 इंच। ये आप लोग कम या फिर ज़्यादा आप लोग कर सकते हो जो आप लोगों को पसंद हो। और यहाँ पे मैंने दिया है बॉक्रम, ये बॉक्रम जो ग्लू वाला होता है वो मैंने लिया है। अगर आप लोग चाहते हो जो नॉर्मल से भी ले सकते हो, बट ये जो फैब्रिक है आप लोगों को बहुत ही आसानी से आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हो और ये बाज़ार में भी मिलते हैं इजीली। और बेसिकली जो लोग नए हो उन लोगों के लिए बहुत ही ये हेल्प होती है, बहुत ही आसानी होती है काम करने में। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी अगर ये पॉसिबल हो तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हो। इसको मैंने आयरन करके अच्छी तरह से इसको लगा लेना है और यहाँ पे मैंने उल्टे साइड पे यहाँ पे लगा लिया है और उसके बाद इसको मैंने कटिंग कर लिया है।
अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसका जो शेप आया है कर्व का वो कैसा आया है। ये है जो पर्स मैंने तैयार किया था फ्रंट पीस का। ये या शायद ये गलत है, इसको मुझे जो और पार्ट है वो लेना है, ये लेना है। तो ये पीस यहाँ पे इस तरह से अटैच होगा और जो कर्व का कप जो है वो होगा ये। आप लोगों को थोड़ा ध्यान से राइट और दोनों साइड का जो साइज है उसको एक करके आप लोगों को देखना होगा कौन सा है। ये मेरी अच्छी तरह से आता है, ये थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा है, ये नहीं है इसका, ये दूसरा वाला है, ये होगा इसका, ये आप लोग शायद देख सकते हो एकदम परफेक्टली यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे तैयार है। आई होप ये आप लोगों को अच्छा लगा। और सेकेंड पार्ट में मैं स्टिचिंग करके दिखाऊंगी किस तरह से आप लोगों को स्टिचिंग करना होगा। तो सेकेंड पार्ट देखने के लिए आशा करती हूँ आप लोग सेकेंड पार्ट देखोगे, वहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी किस तरह से आप लोगों को स्टिचिंग करना है इजीली, बेसिकली टिप्स के साथ ही मैं दूंगी। तो मेरी ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे लाइक शेयर और कमेंट करना, और जो लोग नए हो उन लोगों के लिए रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। और फिर से धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। आप लोग खुश रहो, अच्छे रहो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। बाय बाय।